अस्सलामु अलैकुम सामीन, यकुम रजबुल मुरज्जब है, 24 जनवरी है। खबर का उन्वान है, जब सरकार मेहरबान होती है तो जानी और कातिल भी जेल से बाहर आ जाते हैं, भले कुछ दिन के लिए आए। यही मामला हरियाणा में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के चीफ बाबा गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम के साथ हो रहा है, जो 14 महीने में 133 दिन जेल से बाहर रह चुका है पेरोल की बुनियाद पर। अब खबर तफसील से सुनिए। गुरमीत सिंह पर हरियाणा सरकार की मेहरबानियां, 14 महीनों में 133 दिन पेरोल के नाम पर बाहर रहा। गुरमीत उर्फ राम रहीम को बेशक दो दो साधियों की असमतदरी करने, इज्जत लूटने और दो दो कत्ल के मामले में 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा मिल चुकी हो, लेकिन वो इस साल फरवरी के आखिर तक पैरोल और फरलों की शक्ल में कुल 133 दिनों तक आज़ादी के मज़े ले चुका होगा। कानून की नज़र में गुरमीत राम रहीम झांसा कातिल भी है और जानी भी है, मगर हरियाणा सरकार की उसके लिए जो मोहब्बत है, जो मेहरबानियाँ हैं, करम फरमाइयाँ हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कहने को तो कानून की निगाह में सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार बाबा को खुले हाथों से कभी फरलों तो कभी पैरोल के नाम पर रहाई दे रही है, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में कहीं नहीं मिलती है। पिछले 14 महीनों में चौथी बार और 3 महीने में दूसरी बार गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। कब कब क्या हुआ वो भी सुने। अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को दो साधियों की इज्जत लूटने के जुर्म में 20 साल की सज़ा सुनाई। ये 28 अगस्त 2017 को सुनाई थी। फिर 17 जनवरी 2019 को सहाफी रामचंद्र छत्रपति के कत्ल के जुर्म में अदालत ने गुरमीत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 24 अक्टूबर 2020 को हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को गुरुग्राम के अस्पताल में बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की जेल से बाहर आने की इजाज़त दे दी। 21 मई 2021 को हरियाणा सरकार ने फिर से गुरमीत राम रहीम को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन के लिए पैरोल दे दिया। फिर 18 अक्टूबर 2021 को अदालत ने डेरा मैनेजर रंजीत सिंह के कत्ल के एक मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 17 फरवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने इस बार जानी बाबा और कातिल बाबा गुरमीत को 21 दिनों की पेरोल दे दी। जून 2022 में कातिल गुरमीत राम रहीम को फिर से हरियाणा सरकार ने एक महीने की पेरोल दे दी। अक्टूबर 2022 हरियाणा सरकार ने जानी बाबा गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिनों की पेरोल पर रहा कर दिया। 21 जनवरी 2023 को जानी और कातिल को डेरा, जो डेरा प्रमुख भी हैं, शाह सतनाम की जयंती यानी योम पैदाइश में शामिल होने के लिए 40 दिन की पेरोल दे दी, जेल से आज़ादी के 133 दिन। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सजा याफ्ता जानी बाबा अब तक 133 दिन की आज़ाद रहा है, यानी राम रहीम के बेशक उस पर दो दो बलात्कार के, दो दो जिना के इल्ज़ाम हैं, दो दो कत्ल के मामले में सज़ा भुगत रहा है, लेकिन सरकार की मेहरबानियों से वो गुज़िश्ता फरवरी से लेकर अब तक 133 दिन जेल से बाहर रह चुका है। हद ये कि जब वो अपने डेरे पर आता है तो ऑनलाइन अपने लाखों चेलों को संदेश भी देता है और उन्हें पैगाम देता है, उनसे बात करता है और उसके डेरे पर भी भीड़ लगी रहती है। तो सरकार की मेहरबानी नहीं तो ये क्या है कि बहुत से बड़े लोग बेचारे जेलों में हैं, बंद हैं, उन्हें कोई फरलो नहीं और ऐसे जानी और कातिल को सिर्फ 14 महीने की मुद्दत में 133 दिन की पेरोल मिल चुकी है और फिलहाल भी राम रहीम यानी गुरमीत सिंह मज़े कर रहा है।